सॉरी लाल मिर्चें डाली हैं, ठीक है। मैं जैसे पकाती हूँ मैं आपको वैसा तरीका बता रही हूँ। लाल मिर्चें तो ये मैं आइडिया से नमक डाल रही हूँ, ठीक है। और इसमें गया हल्दी, इसमें गया मैंने सूखा धनिया डाल रही हूँ, ठीक है। तो आप अंदाजे डालें मैं ये, ठीक है, ये सूखा धनिया गया। और वैसे मैं इसको एंड पे तड़का लगाऊंगी, लेकिन मैं वैसे थोड़ा सा इसमें गार्लिक जिंजर की पेस्ट पकाते वक्त भी डाल देती हूँ ताकि अच्छा जायका हो जाए, ठीक है। और ये हो गया, उसके बाद अब इसको आप मिक्स कर दें, ठीक है। अब ये देखें पानी देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये पानी अब मैं इसको बॉयल दूंगी और फिर इसको हल्की आग पे पकने दूंगी। तो जब तक मेरी मैं दूसरी कुकिंग कर रही हूँ मेरा ये खाना तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये बॉयल हो गए, अब मैं इनको इतनी हल्की आग पे रखूंगी कि ये फिर भी बॉयल और सिमर होते रहें और पकते रहें, बिल्कुल ठहर ना जाए, इतना कम वॉल्यूम ना हो कि वो बिल्कुल ठहरे हुए और पक ना रहे, ठीक है। ये देखें मेरा जो फ्लेम है, ठीक है, इतना है, और ये अभी भी देखें ये पक रहा है। जब मैं ढक्कन दूंगी तो इसको स्टीम के साथ ये अंदर से पकते रहेंगे, ठीक है। अब इसको मैं रख दूंगी, अब समझे इसको मैं हमने भूल जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं काफ़ी देर बिजी थी कुकिंग करने में, तो ये देखें इतनी देर के बाद मैं ये जब पहली वीडियो मैंने बनाई थी ना, मैं जब आपको भेजूंगी तो आप टाइम देखिए, अगर आप इसका देखिए तो आप देखें ये मैंने वही पानी डाला हुआ, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया अभी, ठीक है। तो अब ये तकरीबन अभी इसको जब ये देखें आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना थोड़ा सा, और अब ये देखें ये खड़े खड़े हैं, ठीक है। अभी आपने इनको मिक्स अच्छा तरह करना है ताकि ये ऐसे खड़े खड़े नजर ना आए, ये खड़ी खड़ी सिचुएशन है। तो जब अभी इसको और जो है ना थोड़ा पकाऊंगी मैं, और फिर इसको मैं अभी तड़का लगा दूंगी ताकि फिर ये आराम से पकता रहे, ठीक है। देन आई कम बैक जी। मैं तड़का लगा रही हूँ ब्लैक आई बीन्स के लिए। अच्छा मैं जरा अपने जो गार्लिक है ना ज्यादा डालती हूँ और इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करती हूँ और इसकी वजह से टेस्ट ज्यादा आता है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा ये देखें जरा जीरा भी डाल दिया ताकि मैं इसको थोड़ा सा और ब्राउन करूंगी। अब ये देखें ये तड़का जरा थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए ना लहसुन, फिर आप इसमें ये जीरा डालें, ठीक है। और इसको मैं जरा थोड़ा सा और डार्क करूंगी क्योंकि इससे फिर टेस्ट आता है मेरे हिसाब से। जो लोग मेरा खाना खाते हैं काम पे उनको ये पसंद आता है कि मैं गार्लिक ज़्यादा डालती हूँ और थोड़ा सा उसका ब्राउन करती हूँ क्योंकि अच्छे से ज़्यादा स्मेल आती है, टेस्ट बदल जाता है खाने का, बेहतर हो जाता है। आई डोंट नो, हर बंदे की अपनी टेक्निक है, मेरी ये है। तो फ्लिप और ये साथ देखें मैं कड़ी बना रही हूँ, कड़ी पकौड़े। तो ये बस लास्ट स्टेज पे मैंने तड़का लगा दिया हुआ इसको, ऐसे बस मैं इसको थोड़ा सा रखा हुआ ऊपर, ठीक है। और इधर ये देखें ये अब आप देख रहे हैं ये कंसिस्टेंसी देख रहे हैं इसकी, ठीक है। अभी भी इसको मैं घोटूंगी ताकि ये जरा लादा ना दे। तो अभी जरा मैं इसको बस तड़का लगा दूं फिर आती हूँ वापस। ओके जी, ये देखें अब ये फिनिश डिश है इसकी, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फिनिश डिश हो गई। इसको काफ़ी देर लगती है, मैंने काफ़ी देर से इसको रखा हुआ था, अब मैंने तड़का लगा के पैन चेंज कर दिया और दैट इज नाउ कंप्लीट ब्लैक आई बीन्स। ओके,